हम अपना पक्ष प्रस्तुत करने की अनुमति चाहते हैं। श्रीमान महोदय जी, केस इस प्रकार से है कि श्रीमती महिमा ने महिला थाना में उपस्थित होकर दिनांक 16/2/2011 को इस आशय से आवेदन पेश किया कि इसकी शादी 7/5/2007 को हिंदू रीति रिवाज के अनुसार नीले शुक्ला के साथ हुई थी और शादी के एक साल बाद बच्चे गमना और रमना हुए थे। तभी से उसका पति नीलेश शुक्ला, सास सरिता शुक्ला, ससुर लाला प्रसाद एवं जेठानी छाया शुक्ला दहेज की मांग करने लगे थे तथा दहेज की मांग को लेकर निरंतर 4-5 वर्षों से उसके साथ मारपीट की जा रही थी। श्रीमान जी, उससे दहेज के रूप में 3 लाख रुपए की मांग की जा रही थी। पीड़िता का पति नीलेश शुक्ला नौकरी लगवाने के लिए पीड़िता महिमा शुक्ला से 3 लाख रुपए की मांग कर रहा था। पीड़िता द्वारा दहेज की मांग पूरी न करने पर उसे लगभग 4-5 वर्षों से निरंतर प्रताड़ित किया जा रहा था। आरोपी नीलेश शुक्ला द्वारा पीड़िता महिमा के साथ मारपीट भी की जाती थी तथा इतना ही नहीं, मांग पूरी न होने पर पीड़िता को घर से बाहर निकाल देने की धमकी दी जाती थी। श्रीमान जी, पीड़िता महिमा ने उक्त बातों की सूचना अपने पिता व चाचा को दी। तब उसके चाचा रमेश दिनांक 12/10/2010 को उसके ससुराल गए, किंतु उसके बाद भी उसके ससुराल वालों ने उसके साथ दहेज की मांग निरंतर जारी रखी, मारपीट की तथा इन सब से तंग आकर पीड़िता महिमा शुक्ला ने पुनः अपने चाचा को अपने ससुराल बुलाया तथा महिमा शुक्ला ने अपने चाचा के साथ जाकर महिला थाना में 16/10/2010 को लिखित रिपोर्ट की, जिसमें पुलिस द्वारा दोनों पक्षों को बुलाया गया। तब उसके पति द्वारा अपनी गलती एवं दहेज की मांग को स्वीकार कर दिया गया। समझौते के लिए शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया और उसे अपने घर ले गया। श्रीमान महोदय जी, परंतु बात यही समाप्त नहीं हुई। पति नीलेश शुक्ला द्वारा शपथ पत्र तो प्रस्तुत किया गया, परंतु महिमा शुक्ला को घर ले जाने के बाद भी उसके साथ मारपीट की जाने लगी व दहेज की मांग पुनः की जाने लगी। तब पीड़िता महिमा शुक्ला द्वारा एक बार फिर अपने चाचा को घर बुलाया गया एवं अपने चाचा को सूचना की उक्त घटना की फरियाद दिया द्वारा दी गई रिपोर्ट पर से आरोपीगण के विरुद्ध महिला आरक्षी केंद्र में धारा 498 का भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट की कायमी पश्चात विवेचना प्रारंभ की गई, जिसमें कुल 8 साक्षियों को लेखबद्ध कथन आधार बनाकर अपराध प्रमाणित करते हुए आरोपीगणों को गिरफ्तार किया गया। श्रीमान महोदय जी, आरोपीगण पति नीलेश, सास कमला, ससुर मोहन एवं जेठानी छाया के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 498 का के अंतर्गत दंडनीय अपराध का आरोप विचरित किया गया। श्रीमान महोदय जी, महिमा ने न्यायालय अभिशाक्ष में घटना का समर्थन करते हुए बताया कि अभियुक्तगण उसे 4-5 सालों से निरंतर दहेज के लिए प्रताड़ित व परेशान कर रहे थे व पति की नौकरी लगाने के लिए उससे निरंतर 3 लाख रुपए की मांग की जा रही थी। सूचना देने पर चाचा रमेश व फूफा रामराज तिवारी ससुराल आए और परिवार वालों को समझाया कि समाज में रहना है तो ठीक से रहो, जिस पर उसके ससुराल वालों ने कहा कि अगर दहेज की मांग पूरी नहीं की गई तो मैं उसे अपने घर पर नहीं रखूंगा और घर से बाहर निकाल दूंगा। समझौते के बाद ससुराल वालों ने उसे लेने के लिए आए और जब वह ससुराल चली गई तो 1 महीने तक ससुराल में अच्छे से रखा गया, किंतु आरोपीगण कहने लगे कि भले ही तुम्हें समझौता करके घर वापस लाए हैं, लेकिन यदि तुमने दहेज की मांग पूरी नहीं की तो तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया जाएगा और आरोपीगण पीड़िता महिमा को प्रताड़ित करने लगे, जिस वजह से पीड़िता महिमा ने मायके वालों को कॉल लगाया। दिनांक 16/9/2011 को घटना की रिपोर्ट पीड़िता द्वारा महिला थाना में लिखवाई गई और इसके आधार पर लिखी गई प्रथम सूचना रिपोर्ट है, जिस पर पीड़िता महिमा के हस्ताक्षर भी है। साक्षी क्रमांक 3 में उमेश फरियादी के भाई एक साक्षी क्रमांक है जो कमला फरियादी की माँ है और फरियादी की साक्ष का समर्थन किया और साक्षी क्रमांक एक और फरियादी महिमा के विधि परीक्षण के में यह स्वीकार किया कि अभियुक्तगण ने जो मारपीट की थी और जिससे उसके शरीर में काफी चोटें आई हैं और उसका हॉस्पिटल में इलाज भी हुआ, किंतु उसे यह नहीं मालूम कि उसे इलाज की पर्ची मिली थी या नहीं। साक्षी ने इस बात से इनकार किया कि उसने भेजा नहीं था कि पुलिस को रिपोर्ट टाइप करवाई थी या नहीं, एवं साक्षी ने विधि परीक्षण में
भी यह स्वीकार किया कि जब भी रिपोर्ट लिखवानी गई थी तो उसने पुलिस को यह बताया था कि अभियुक्त गण ने उसे 4-5 दिन तक कमरे में बंद कर रखा था और मोबाइल फोन भी नहीं दिया था परंतु यदि बात यह बातें रिपोर्ट में नहीं है तो उसका कारण यह भी है बताया गया कि श्रीमान जी महोदय यह स्वीकार किया है कि उसने प्रथम सूचना रिपोर्ट का कोई भी लिखित आवेदन किसी भी वकील को ना तो बुला कर लिखवाया और ना ही टाइप करवाया था। इस सुझाव से भी यह इनकार किया गया कि उसने अभियुक्त गण के विरुद्ध लिखित में टाइप करवा कर आवेदन नहीं दिया। श्रीमान जी हम अपने पक्ष में हैं, अपना पक्ष रखने की अनुमति चाहते हैं। अभियुक्त पक्ष द्वारा लगाए गए आरोपों को अभियुक्त गण ने स्वीकार किया है। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि प्रापी एक की लिखित रिपोर्ट पर उसके हस्ताक्षर है, किंतु उसे यह नहीं मालूम है कि प्रापी एक की लिखित रिपोर्ट पर उसने कब और कैसे हस्ताक्षर किए हैं। साक्षी ने इस बात से भी अनुभिज्ञता व्यक्त की है कि उसे मालूम नहीं है कि दिनांक 16/2/2011 को किस मोबाइल से उसने फोन किया है और ना ही उसे मोबाइल का नंबर याद है। श्रीमान जी साक्षी क्रमांक 4 विवेक कुमार ने तिथि परीक्षा में स्वीकार किया है कि अंतिम बार उसकी बहन 16/2/2011 को आई थी, उस समय उसके साथ उसका चाचा और एक रिश्तेदार था। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि शादी के 3 वर्ष तक महिला द्वारा कभी भी दहेज के लिए और मारपीट के संबंध में उसे नहीं बताया गया है। इसी साक्षी ने तिथि परीक्षा में स्वीकार किया है कि तलाक के मुकदमे में उसका बयान लिया गया था जिसमें उसने यह बताया था कि उसे दूसरी रिपोर्ट के बारे में जानकारी नहीं है। साक्षी क्रमांक 2 रमेश प्रसाद ने तिथि परीक्षण में स्वीकार किया है कि विवाह के समय दहेज की मांग नहीं की गई थी। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि वर्ष 2010 के पहले महिमा ने मारपीट व दहेज के संबंध में कोई भी बात नहीं बताई है। अनुभिज्ञता व्यक्त किया जाना संपूर्ण अभियोजन मामले में संदेह उत्पन्न करता है। श्रीमान जी फरियादी महिमा पति के साथ नहीं रहना चाहती थी। फरियादिया के पति अभियुक्त नीलेश को फरियादिया द्वारा छोड़े जाने पर उसने फरियादिया महिमा को लाने के लिए धारा 9 हिंदू विवाह अधिनियम के तहत न्यायालय में मामला प्रस्तुत किया जिसमें समन फरियादिया महिमा को भेजने पर उसके द्वारा एवं उसके परिवार के द्वारा सुनियोजित महलिपि रिपोर्ट प्रापी एक प्रस्तुत की गई थी। फरियादिया महिमा ने तिथि परीक्षण के दौरान प्रापी 2 की तलाक प्रापी 2 पेश की थी जिसमें तलाक के मामले से संबंधित निर्णय की प्रति इसमें इस बात का उल्लेख किया गया था कि वह अभियुक्त नीलेश के साथ नहीं रहना चाहती, पर उससे पुनः पूछे जाने पर उसने अभियुक्त के साथ रहने से मना कर दिया था। धारा 9 हिंदू विवाह अधिनियम के प्रकरण की स्थिति में अनावेदक दिनांक 16/10/2010 में अपने मायके में निवासरत थी और उक्त प्रकरण दिनांक 16/2/2011 को प्रापी 1 की लिखित रिपोर्ट के आधार पर दर्ज हुआ है जिससे स्पष्ट होता है कि इस घटना दिनांक को फरियादिया अभियुक्त गण के साथ निवासरत नहीं। श्रीमान महोदय जी साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि लिखित रिपोर्ट पर उसके हस्ताक्षर है, किंतु उसे यह नहीं मालूम कि लिखित रिपोर्ट पर उसने हस्ताक्षर कब और कैसे किए गए। उसका कहना है कि यह हस्ताक्षर उससे गलत तरीके से किए गए हैं। महोदय जी साक्षी ने इस बात से भी अनभिज्ञता व्यक्त की है कि उसे नहीं मालूम कि 16/2/2011 को किस मोबाइल से उसने फोन किया था, क्योंकि उसका कहना है कि उसका मोबाइल फोन उससे छुड़ा लिया गया था और उसे कमरे में बंद कर दिया गया था, इसलिए उसे नहीं मालूम कि उसने किस फोन से कॉल किया था। श्रीमान आरोपी पति नीलेश द्वारा महिमा के विरुद्ध धारा 9 हिंदू अधिनियम के अंतर्गत न्यायालय में दिए गए साक्ष्य प्रस्तुत किए गए जिससे वर्णित था कि 16/10/2010 को फरियादी महिमा अपने मायके में रह रही थी तथा उसके साथ ही आरोपी पति नीलेश के विरुद्ध उसने तलाक की डिग्री फाइल की थी जिसमें वर्णित था कि वह आरोपी पति नीलेश के साथ नहीं रहने वाली थी। अभियुक्त गण द्वारा मारपीट के संबंध में परिणाम उपयुक्त शास्त्र विवेचना में आए पारित किया गया कि यदि अभियुक्त गण द्वारा घटना के नाम को उसके साथ मारपीट की गई तथा उसको कमरे में बंद रखा गया अभियुक्त गण द्वारा यह भी कहा गया कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं की गई तो मैं महिमा को अपने साथ नहीं रखेंगे तथा उसे परेशान करते रहेंगे। इस बात पर उसके परिजन उसे वहाँ छोड़कर चले गए। यह बात संयोग करने वाले वाली थी क्योंकि कोई भी प्रज्ञावान व्यक्ति यह अनुमान लगा सकता है कि यदि महिमा को भूखा प्यासा रखकर 4 दिन तक कमरे बंद रखने के बाद भी उसे वहाँ साथ न ले जाती हूँ तो पुनः उसे
अच्छा तो रहता है ऐसा कहना है कि कपड़े ना जन्म के दिन महिमा के ससुराल गए थे तब वहाँ महिमा कोने में बंदे कपड़े पा रहा था। साक्षी मंडल को संबंध में महिला का कहना है कि वह 16/2/2010 और तथा 16/10/2012 कराई थी परंतु ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं प्राप्त हुई है। अनुसंधान अधिकारी ने इस संबंध में कोई साक्ष्य नहीं दिया है। मेडिकल रिपोर्ट में पाया है कि फराजी महिला ने प्रतिपक्ष ने बताया कि उसको अस्पताल में उपचार हुआ था परंतु ऐसा उपचार नहीं हुआ है ना ही ऐसी कोई प्राप्त हुई। इसके विपरीत महिला फराजी द्वारा अपने प्रतिपक्ष में नहीं स्वीकार किया है कि उसने आरक्षी केंद्र में टैग करवाकर कोई रिपोर्ट नहीं दी है एवं साक्षी के द्वारा प्रतिबंध लिखी रिपोर्ट के आधार पर संपूर्ण आयोजन के मामले में गति प्रदान करती है। लिखी रिपोर्ट को उसके द्वारा थाने में लेकर सामने कर दिया है। श्रीमान महोदय जी, जैसा कि अभियुक्तगण द्वारा कहा गया कि फरियादी की साक्ष्य का समर्थन किया, साक्ष्य क्रमांक एक फरिया दिया, महिमा ने प्रति परीक्षण में स्वीकार किया कि जिससे उसके साथ मारपीट की थी, जिससे उसके शरीर में कई चोटें आई थी और उसका इलाज हॉस्पिटल में हुआ था उससे, लेकिन उसे यही नहीं मालूम कि उसको पर्ची मिली या नहीं मिली, लेकिन उसने इलाज हॉस्पिटल में कराया था। श्रीमान जी, अभियुक्त पक्ष की ओर से जैसा भी उन्होंने अभी कहा है उसके हिसाब से अगर उसका फरियादिया महिमा का उपचार कराया गया था तो उन्होंने पर्ची क्यों नहीं प्रस्तुत की, उन्हें पर्ची प्रस्तुत की जानी चाहिए थी। साक्षी क्रमांक 4 विवेक कुमार ने प्रति परीक्षण में यह भी स्वीकार किया है कि उसकी अंतिम बार उसकी बहन 6/2/2011 को मायके आई थी, उस समय उसका चाचा और एक रिश्तेदार था। स्वीकार किया कि शादी के 3 वर्ष तक उसके दहेज की कोई भी किसी भी प्रकार से कोई मांग नहीं की गई, लेकिन शादी के उसके बाद दोनों बच्चे होने के बाद उससे पुनः दहेज की मांग की जाने लगी। उसके हस्बैंड की जॉब लगाने के लिए उससे निरंतर 3 लाख रुपए की मांग की जा रही थी और मांग पूरी ना करने पर उसे कई तरह की धमकियां दी जा रही थी कि तुम्हें घर में नहीं रखा जाएगा, तुम मांग पूरी नहीं करोगी तो तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया जाएगा और उसके साथ बहुत हद तक मारपीट की जा रही थी जिससे उसने हॉस्पिटल में इलाज कराया है, लेकिन उसे याद नहीं है कि उसे पर्ची मिली है या नहीं मिली है। श्रीमान जी, दहेज की मांग नहीं की गई, महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि विवाह निर्वाचन से संबंध हुआ था और किसी भी प्रकार की मांग नहीं की गई थी, यह बात रमेश प्रसाद ने त्रुटि परीक्षण में स्वीकार किया। एक जस्टिस अब्दुल नजीर और जस्टिस कृष्ण मुरारी, उनका कहना है कि आय ने सामने आ रहे फर्जी दहेज प्रताड़ना के मामले पर आप सुप्रीम कोर्ट ने भी चिंता जाहिर की है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा है कि ससुराल वालों को फंसाने के लिए दहेज प्रताड़ना का कानून का उपयोग किया जा रहा है, इसका पैसा इस्तेमाल किया जा रहा है, परिवार वालों के खिलाफ कार्यवाही करना इस कानून के साथ कानून प्रक्रिया का भी दुरुपयोग है, 498 का दुरुपयोग, पति और परिवार वालों के खिलाफ 498 के तहत और उसके परिवार वालों रिश्तेदारों के खिलाफ फर्जी मामले में गिरफ्तारी हेतु महिलाओं का दुरुपयोग। श्रीमान महोदय जी, जैसे कि अभियुक्त के पक्षकार द्वारा खुद ही इस बात को कबूल किया गया था कि उसने पीड़िता के साथ मारपीट की है, प्रथम सूचना रिपोर्ट जब दी गई थी पीड़िता द्वारा तब उसने खुद ही एक्सेप्ट किया था कि उसके द्वारा दहेज की मांग भी की गई है और पीड़िता के साथ मारपीट भी की गई है, उसने यह बयान थाने में खुद ही पुलिस के सामने दिया था जिसने महिमा शुक्ला के हस्बैंड है। महिमा शुक्ला द्वारा जब प्रथम सूचना रिपोर्ट थाने में दी गई थी तो उसके हस्बैंड को उसके पूरी फैमिली को थाने में बुलाया गया था और दोनों पक्षकारों की बात थाने में पुलिस के सामने रखी गई थी। तब महिमा शुक्ला के हस्बैंड नीलेश शुक्ला ने पुलिस के सामने खुद शपथ पत्र प्रस्तुत किया था और अपनी बात को एक्सेप्ट किया था कि मैंने दहेज की मांग की है और समझौते के साथ अपने घर पे महिमा शुक्ला को वापस ले गया था। उसने जब प्रथम सूचना रिपोर्ट पुलिस थाने में पहली बार कराई तो उसके हस्बैंड को भी बुलाया गया थाने में और उसने एक्सेप्ट किया कि हाँ मैंने दहेज के लिए प्रताड़ित किया है और दोनों की आपसी सहमति के साथ उसने उस शपथ पत्र को प्रस्तुत किया और अपने घर ले गया और इसके बाद घर ले जाने के बाद भी पुनः उसके साथ मारपीट की गई और दहेज की मांग की गई।
यूनियन पक्ष ने कहा है कि उसके संग पुनः मारपीट की गई थी। जब मर्यादा महिमा के साथ पहले ही मारपीट की गई थी तो उसने तुरंत ही नहीं ये चीज का क्वेश्चन उठाया था कि हाँ हमारे साथ मारपीट की गई थी। उसने इतने दिन तक क्यों रुकी रही वो कि हमारे साथ मारपीट की गई तो रुकी क्यों रही इतने दिन तक। श्रीमान महोदय जी फिक्रता द्वारा जब उसके साथ दहेज की मांग की गई तब उसने अपने चाचा को पहले फोन लगाया था। उसके चाचा उसके ससुराल आए थे और उसके ससुराल वालों को समझाया था कि अगर आप उसके साथ ऐसा करोगे तो आपके आपके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई जाएगी। और उन लोगों ने कुछ दिन तक उसके साथ कुछ नहीं किया, परंतु जब पुनः उसके साथ ये मारपीट और दहेज की मांग की जाने लगी तो वह अपने चाचा के साथ थाने जाकर उसने रिपोर्ट दर्ज कराई। श्रीमान जी में केस है अनिश कुमार बनाम बिहार राज्य। इस मामले में अदालत ने कहा है कि धारा 498 के असंतुष्ट पत्नियों के लिए एक शक्तिशाली उपकरण बन गई है जिसके परिणाम स्वरूप पर्याप्त सबूत के बिना निर्दोष व्यक्तियों को गिरफ्तारी हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि कुछ महिलाएं अपने पतियों और ससुराल वालों को परेशान करने के लिए धारा 498 का दुरुपयोग कर रही है। श्रीमान महोदय जी इस मामले में बचनी देवी बनाम महाराष्ट्र राज्य SCC 427 में पुनः विचारण किया गया था कि जिसमें इस न्यायालय में ठहराया गया कि उक्त निर्णय सार्वभौमिक प्रयोजन प्रतिपादित नहीं करता, प्रत्येक प्रकरण उसके स्वयं के तथ्यों एवं गुणागुणों पर विनिश्चित होना चाहिए। यदि संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति हेतु मांग में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विवाह से संबंध है तो ऐसी मांग दहेज हेतु होगी। श्रीमान जी अभियुक्त अभियोजन पक्ष की ओर से ऐसा कोई भी साक्ष्य नहीं पेश किया गया है जो यह प्रूव कर सके कि मर्यादा महिमा के साथ में उसके पति ने झूठता की है, इसलिए आपसे निवेदन है कि अभियुक्त को दोष मुक्त कर बाइसल बंद किया जाए। इसमें एक केस आया श्रीमान जी जीराना पांडे वर्सेस मद्रास राज्य में बताया गया कि पति के अपनी पत्नी को गंभीर मानसिक आघात और मानसिक अस्वस्थ के मुद्दे का कारण बन सकता है। इसे RPC की धारा 420A में बताया गया है कि मानसिक पूर्णता होगी इसके लिए। और अतः श्रीमान जी महोदय जी इस बिंदु पर बिंदु प्रणाली के अनुसार कि किसी भी शादीशुदा महिला पर उसके पति या ससुराल वालों के और किसी भी तरह की क्रूरता की जा रही है तो IPC की धारा 498A के तहत यह अपराध विरुद्ध होगा। श्रीमान जी उच्चतम न्यायालय ने अपने पूर्व के निर्णय में बताया है कि किसी भी क्रूरता का अर्थ दहेज की मांग करना है और मानसिक व शारीरिक ढंग से चोट या चोट पहुंचाना है।